मेरा नाम एडवोकेट शरद बंसोड़े है। मैं लास्ट 2009 के चुनाव यहाँ से लड़ा था और इस बार भी उस वक्त काफ़ी मैंने कांग्रेस के प्रत्याशी जो सुशील कुमार जी शिंदे साहब है उनके खिलाफ बहुत जोर से लड़ा था। सोलापुर में ये स्थिति है कि यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बहुत है मगर यहाँ के लड़के ये सब डिग्रियाँ लेते हैं और इधर उधर घूमते हैं, यहाँ पे कोई रोजगार का साधन नहीं है। अगर हमारी सरकार आती है तो यहाँ पे उनके लिए ये एम्प्लॉयमेंट ये एम्प्लॉय ये करने का नहीं, यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छे हैं इसके बारे में कोई राय नहीं, मगर वो जो भी इंस्टीट्यूशंस है वो बाहर के लोगों ने आके यहाँ पे बनाए हुए हैं और यहाँ के लड़कों में टैलेंट खूब खूब के भरा हुआ है। यहाँ पे उजनी से सोलापुर को पानी आता है जिसके लिए सिर्फ एक ही पाइपलाइन है, तो उसको अगर और एक पाइपलाइन अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पे बिजली पानी की समस्या खत्म हो सकती है। जैसे गुजरात में 24 घंटे बिजली रहती है, हमारी सरकार अगर आती है तो महाराष्ट्र में भी 24 घंटे बिजली आ जाएगी। यहाँ पे बचत गट नाम से महिलाएं ये चलाना चाहती है मगर उनको जो फंडिंग चाहिए वो फंडिंग केंद्र से या राज्य सरकार से आज तक दिया नहीं गया है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ये जो बचत गट की महिलाएं हैं उनको सेंट्रल की तरफ से योजनाएं बहुत है मगर वो सोलापुर तक नहीं आ पाई, तो पहले तो हम वो फंडिंग लाएंगे यहाँ पे बचत योजना महिलाओं के लिए बनाएंगे। यहाँ पे सोलापुर की स्थिति ऐसी है कि सोलापुर के नज़दीक में पंडरपुर, अक्कलकोट और तुलजापुर इसके लिए दुनिया भर के लोग यहाँ पे आते हैं मगर कोई उनकी सुविधा नहीं है, सेंट्रलाइजेशन नहीं है, तो उनके लिए एक सेंट्रलाइज्ड ये करेंगे हम रेल लाइन डालेंगे। किसान परेशान हो गया है और बीच में अभी गए महीने में यहाँ पे गारपीट हुई थी जो जिसकी वजह से हिम वर्षा हो गई थी, उसकी वजह से किसान तबाह हो गया है, उनकी तकलीफें जल्द से जल्द हमारी सरकार आते ही हम दूर करेंगे।